मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस तरह से लगातार छोटे बच्चों में जो है खसरे की बीमारी सामने आ रही है और अब तक कई बच्चे जो है मौत की चपेट में भी आ चुके हैं। गोविंडी में भी देखा गया पिछले दिनों खसरे की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो गई, तो इसी तरह से अब मुंब्रा शहर में भी 7 बच्चों का मामला सामने आया है। जो मनपा अधिकारी ने जानकारी दी है कि मुंब्रा में भी ऐसे 7 बच्चों को खसरा होने का जानकारी सामने आई है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। खसरे की जो बीमारी है जिस तरह से बढ़ रही है, मनपा के अधिकारियों ने आज जो है मुंब्रा के TMC हॉस्पिटल में इसके संदर्भ में मीटिंग ली और लोगों से जो है आगाह किया है कि वो अपने बच्चों को जिन्हें खसरे का टीका ना लगा हो उन्हें खसरे का टीका जो है वो अपने नज़दीकी दवाखाना या मनपा स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वो लगवा ले, क्योंकि मुंब्रा में जो 7 बच्चों को खसरा होने की जानकारी सामने है जिनका इलाज चल रहा है, उन बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगे हुए थे। इसी संदर्भ में मनपा अधिकारियों ने चिंता जाहिर की और कहा है कि ये जो बीमारी है इसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है और इसके लिए लोगों को जागरूक होना बेहद ही जरूरी है। मनपा अधिकारी मनीष जोशी और रूता भाट और TMC के डॉक्टर ने इस पूरे मामले में लोगों को सतर्क रहने हुए अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करने की सलाह दी है। साथ ही जो है नज़दीकी दवाखाना या फिर मनपा के जो है अस्पताल में जाकर उन बच्चों को खसरे का टीका लगवाएं जिन्हें टीके ना लगे। मनपा अधिकारी और रूता भाट और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में जो मीजल्स ये बीमारी जो फैल रही है, तो उस बीमारी के खिलाफ समाज के हर स्तर के लोगों का कैसा हम योगदान ले सके और इस बीमारी के खिलाफ हम जीत हासिल कर सके, इसलिए आज की हमने मीटिंग आयोजित की थी। आज की मीटिंग में जैसे कि रूता अवार्ड मैडम, मुंब्रा कौसा भाग के जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इस एरिया के स्कूल्स के सभी HM इन्होंने भाग लिया और हमने सबको इस बीमारी के सीरियसनेस के बारे में बताया कि जैसे कलवा हॉस्पिटल में 9 पेशेंट एडमिट हैं, 2 भिवंडी के हैं और 7 अपने मुंब्रा एरिया के हैं, और ये 7ों जो पेशेंट हैं हमारे मुंब्रा इलाके के, वो सारे के सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, मतलब इन्होंने वैक्सीन लिया नहीं। अभी TMC बोलती है कि भाई हमने 19 बेड का एक आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार किया है, पार्किंग प्लाजा में 60 बेड की एक फैसिलिटी तैयार की है, लेकिन एक्चुअली इन सब बेड्स की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर सही समय पे हमने उस पर ध्यान दिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वैक्सीन लेना है, आपने विटामिन ए की गोली लेनी है और अच्छा खुराक आपने लेना है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो ये जो बीमारी है ये बहुत घातक भी हो सकती है। मीडिया की तरफ से मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ और ख़ासकर थाने महानगर पालिका के कमिश्नर बांगर साहब की तरफ से मैं एक आपको अपील करता हूँ कि 0 से 0 से लेकर 5 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना जो वैक्सीन है, क्योंकि MR1 और MR2 ये दोनों वैक्सीन उन्होंने लेने हैं, अगर आपके बच्चों में कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो नज़दीक के जो डॉक्टर हैं, फिर वो आपका GP हो या हमारा हेल्थ सेंटर हो, इमीडिएटली आपने जाके वो सिम्टम्स और आपके बच्चे को दिखाना है ताकि सही समय पे ट्रीटमेंट हो। ज़्यादा करके बच्चे ये 5 साल के ऊपर के हैं, कुछ बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर के, 4 से 5 बच्चे 1 साल के अंदर के हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं। और अगर आप उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस देखोगे तो उसमें 17 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक भी डोज नहीं मिला है, जो 2 डोज देने पड़ते हैं खसरे के लस के, 2 डोज होते हैं, एक 9 महीना पूरा होने के बाद देना पड़ता है और दूसरा 16 महीने पूरा होने के बाद देना पड़ता है। ये दोनों डोज अगर बच्चे को मिलेंगे तो उसका प्रोटेक्शन ये बीमारी से हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखा गया है कि टोटल 17 बच्चे थे उनको एक भी डोज नहीं मिला है और ऐसे 3 बच्चे थे कि जिनको 2 डोज मिलने के बावजूद भी, और उसके लिए कोई अदर दूसरा रीज़न भी हो सकता है, लेकिन मेजर रीज़न था जो वैक्सीन नहीं मिला इसलिए वो बच्चों को खसरा हुआ। मैडम, अगर किसी भी बच्चे को खसरा हो जाता है तो उसके सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं? बच्चे को जब खसरा होता है तो पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो बुखार,
तेज़ बुखार होता है बच्चे को, उसके बाद उसके शरीर पे दाने आना शुरुआत होती है, ये थोड़े रेड कलर के, उसको इंग्लिश में मैक्यूलोपैपुलर रैश बोलते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे दाने आते हैं जो शरीर पे पूरे जगह पे आ जाते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है मुँह के अंदर से होती है और बाद में कान के पीछे से ऐसा करके पूरा शरीर में ये दाने आ जाते हैं। दाने आने तक की बात ठीक है, जब तक दाने आते हैं बच्चा थोड़ा उसका खाने पीने का प्रमाण कम हो जाता है, बुखार की वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके साथ जब कॉम्प्लिकेशंस जो बोलते हैं वो जैसे जैसे ये डिजीज़ आगे बढ़ने लगता है, उसके बाद बच्चे को अगर खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये निमोनिया के लक्षण होते हैं, छाती अंदर की तरफ घूमने लगती है, या फिर बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से उसके दिमाग पर भी असर हो सकता है, अगर बच्चा मे बी बेहोश भी हो जाए या फिर कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण, ये भी हो सकता है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दिमाग पर परिणाम होगा, ये भी चीज़ हो सकता है। यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कौसा का, मुमरा का, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जितने भी लोग अभी जितने भी बच्चे मीजल्स खसरे के कारण एडमिट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से है, ये हाँ मुमरा से है, लेकिन खसरा बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम वैक्सीन नहीं देंगे तो हम उनके माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। सो आई फील इट्स टाइम कि आप ये सारे जो गलत धारणाएं आपके दिल में अगर है तो आप उसे निकाल दीजिए। वैक्सीन बहुत ही एक छोटी सी चीज़ होती है, एक सेकंड का बच्चे के जिस समय सुई जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और वैक्सीन्स जो है वो बच्चे के जन्म होने से लेकर 5 साल तक अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं, वो 2.5 महीने से लेकर 5 साल तक अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जो आना है उसको तो ज़रूर इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन उसका कारण माँ या बाप या कोई भी गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंसानियत के ऊपर बहुत ही गलत दाग है, और इसमें से सफ़र कौन होगा? अगर मैं गलत चीज़ करूँगी, मैं अगर अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाती तो मेरे बच्चे की बीमारी का कारण शायद मैं भी बन सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर 10 बच्चों ने टीका नहीं लगाया तो ज़रूरी नहीं है सारे 10 बच्चों को बीमारी होगी, लेकिन हो सकता है मेरा बच्चा उसमें से एक हो जिसे होगी बीमारी। सो रिस्क लेना ही क्यों है? मैडम जैसे अगर बच्चों को ये टीका नहीं लगा हुआ है तो क्या मनपा प्रशासन, मनपा अधिकारी भी आपके साथ हैं, तो मनपा प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है कि वहाँ जाकर लोग टीके लगा सके? एडी चोटी से मनपा प्रशासन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि पूरा देश, पूरा मुल्क स्वस्थ रहे,